नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरजोत है और आप देख रहे हैं फॉर द लव ऑफ गैजेट्स। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं Redmi Note 8 Pro और Vivo Z1 X के बीच में रीबूट टेस्ट, ऐप ओपनिंग टेस्ट और मेमोरी मैनेजमेंट टेस्ट भी। आखिर में हम परफॉर्म करेंगे N2 बेंचमार्क टेस्ट। हमारे पास लेफ्ट में है Redmi Note 8 Pro और राइट साइड में है Vivo Z1 X। अगर हम स्पेसिफिकेशंस पे एक क्विक ग्लांस डालें तो आपको Redmi Note 8 Pro में मिलता है मीडियाटेक का G90T और साथ में ही माली का GPU, वेरियन आपको Z1 X में मिलता है स्नैपड्रैगन 712 और एट्रिनो का GPU। ये दोनों ही 6GB वाले वेरिएंट है, क्योंकि ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है ताकि मुकाबला बराबरी का रहे। आप देख सकते हैं ये 6GB वाले वेरिएंट्स हैं। अगली चीज़ जो हम चेक करेंगे वो है कि ये दोनों फ़ोन सिमिलर वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। आप देख सकते हैं अगेन गेमिंग मोड दोनों ही फोन्स पे हमने ऑफ कर दिया है ताकि इसका इम्पैक्ट रैम मैनेजमेंट पे ना पड़े जब हम रैम मैनेजमेंट टेस्ट करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने दोनों ही फोन्स के सॉफ्टवेयर रिलीज चेक कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि MIUI और फ्रंट टच OS बोथ आर ऑन द लेटेस्ट वर्जन्स। सो दोस्तों, देर किस बात की, आइए चलिए करते हैं इन ऐप्स को क्लोज और स्टार्ट करते हैं हमारा टेस्ट रीबूट से। देखते हैं कौन सा डिवाइस इन दोनों में से पहले रीबूट होता है। सो हियर वी गो। आप देख सकते हैं कि Vivo Z1 X का लोगो पहले आया Redmi से, और इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखें तो आपको AMOLED और LCD का डिफरेंस भी दिखेगा, स्पेसिफिकली डीप ब्लैक या फिर डीप कलर्स के रिगार्डिंग, वेयर इन Redmi Note 8 Pro की स्क्रीन और बेजल में थोड़ा डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, बट Vivo Z1 X इज कम्प्लीटली ब्लैक। और इसी के साथ ये राउंड Redmi Note 8 Pro ने जीत लिया है। आप देख सकते हैं कि रीबूट टेस्ट में Redmi Note 8 Pro ने Vivo Z1 X को बीट किया है। डिफरेंस XT के मुकाबले कम मिला मुझे, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, वेयर इन वी कंपेयर्ड Redmi Note 8 Pro विद Realme XT। आप देख सकते हैं कि स्पेस कितनी फ्री है एज इन विद रिस्पेक्ट टू रैम Redmi Note 8 Pro में और Vivo Z1 X में। Vivo Z1 X में इनफैक्ट ज़्यादा है आप अगर ध्यान से देखें तो। ये हमारी एप्स हैं, कुल मिला के हमने 15 एप्स रखी हैं जो हम ओपन करेंगे और उनको मेमोरी में भी चेक करेंगे। लास्ट में हम करेंगे N2 स्कोर को रन। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पबजी लोड करते हुए फिलहाल ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एज द गेम ओपन्स ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा। Redmi Note 8 Pro वन ऑफ द बेस्ट मिड रेंज डिवाइस है, पबजी को
हायर सेटिंग्स पे खेलने के लिए एज कम्पेयर टू वीवो Z1 X एज वेल एज XT। इसी के साथ Redmi Note 8 Pro ने ये राउंड भी जीत लिया है। आप देख सकते हैं कि Vivo Z1 X को बहुत ही बुरे तरीके से 14:1 से बीट किया है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक ऐप जो कि Vivo Z1 X पे जल्दी ओपन हुई। आइए देखते हैं रैम मैनेजमेंट कैसा जाता है। सो फार हमने 4 ऐप्स ओपन कर ली हैं और ये सभी मेमोरी में थी। चलिए इसे भी फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। इसी के साथ हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं। आप देखेंगे कि Vivo Z1 X ने Redmi Note 8 Pro को बहुत ही बढ़िया तरीके से बीट किया। अब हम चलते हैं एंटूटू बेंचमार्क की तरफ। हम इस ऐप को ऐप टेस्ट में नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, हेंस इसकी स्कोरिंग नहीं होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि स्कोर का कितना फ़र्क अभी आ रहा है। चलिए फटाफट इसे रन करते हैं और एक बार फ्रेश रिजल्ट लेते हैं विद ऑल दोज ऐप्स ओपन इन द बैकग्राउंड और वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। To sum it up, अगर परफॉर्मेंस आपकी प्रायोरिटी है तो आप Redmi Note 8 Pro को पिक कीजिए। जी हाँ, लेकिन do keep in mind कि इसमें आपको LCD पैनल मिलेगा जो कि बुरा नहीं है। इनफैक्ट वी हैड बीन यूजिंग LCD फॉर लॉन्ग, तो ऐसा भी नहीं कि डिस्प्ले बहुत बुरा है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। और तो और आपको SD कार्ड की ऑप्शन भी मिलेगी। रैम मैनेजमेंट थोड़ी और बेहतर हो जाए तो मिड रेंज में आई थिंक ये बहुत बढ़िया फ़ोन है। Vivo Z1 X अगर मैं बात करूँ इज़ नॉट एट ऑल अ बैड फोन ऑल्सो। आपको ये रैम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया देता है, थोड़ी सी ऐप स्पीड अगर बढ़ जाए तो आई थिंक इट्स ऑल्सो ए गुड कॉम्बिनेशन। एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आई कि इसमें SD कार्ड की ऑप्शन भी होने क्यों नहीं दी, जो कि उनकी एक USP थी। खैर, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मेरा नाम हरजोत है, आप देख रहे थे फॉर लव ऑफ गैजेट्स। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा फॉर ऑल, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।